हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, और ये जो बात है डायरेक्टली आपसे जुड़ी हुई है, आपसे रिलेट करती है। ये तीन डेड बॉडी मेरे पीछे जड़ रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये किसकी है? एक गांव में चार लड़के होते हैं, सोनू, मोनू, टोनू, पोनू। चारों लड़के आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि एक दूसरे के बगैर रहते नहीं हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी मिलजुल के, इकट्ठा स्कूल पूरा किया, फिर इन्होंने ग्रेजुएशन पूरी करी, अपनी कॉलेज पूरा किया, और फिर सपना देखा कि अब हरियाणा पुलिस में भर्ती होना है। अपने बड़े सपने संजो के हरियाणा पुलिस की तैयारी करने लगे, सुबह सुबह फिजिकल करते गांव के बाहर सड़कों पे जाके, उसके बाद में वो दिन भर रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं। हर रोज ऐसा ही चलता रहा, ये काम उनका दिनचर्या का हिस्सा बन गया। सुबह गांव के बाहर सड़कों पे फिजिकल की तैयारी करना, रेस मारना, और उसके बाद में आके दिन भर पढ़ाई करना। दोस्तों, एक दिन ऐसे ही दिनचर्या के अनुसार सुबह सुबह रेस लगाने के लिए गांव के बाहर सड़कों पे बच्चे गए हुए थे, चारों दोस्त गए हुए थे इकट्ठे। तभी एक स्पीड से गाड़ी आई, बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी आई और चारों को रौंद कर चली गई। चारों जो दोस्त थे उनके ऊपर से गाड़ी गुजर गई, और उसी टाइम तीन दोस्त मर गए और एक अभी भी हॉस्पिटल में अंतिम सांसें गिन रहा है। और ये तीन दोस्तों की ही, ये उन्हीं तीन दोस्तों की डेड बॉडी यहां पे जलाई जा रही है। दोस्तों, सपने आपने देखे हैं, सपने इन बच्चों ने भी देखे थे, मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही के कारण आज ये चीजें आपके सामने हैं। और दोस्तों, मैं आपको डराना नहीं चाहता इस चीज से कि आप फिजिकल की तैयारी मत करो, आप सुबह घूमने मत जाओ, ये आज की रियल घटना है जो ये आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शामली जिले का बन्नत गांव है, वहां की ये घटना है आज की, वहां की चार दोस्तों की घटना है। दोस्तों, जान तो जान है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो बिहार की हो, या फिर वो हरियाणा की हो। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है, कल को यहां भी हो सकता है, और ये आज पहली घटना नहीं है। पता नहीं ऐसे एक्सीडेंट कितनी बार होते हैं। दोस्तों, इन बच्चों ने ईयरफोन यूज कर रखा था, जो चारों दोस्त थे ईयरफोन लगाए बैठे थे। अब पीछे से गाड़ी आई, हो सकता है गाड़ी वाले में कमी हो, लेकिन ईयरफोन लगाना भी तो गलत है ना। और 90% जो बच्चे आजकल फिजिकल की तैयारी करते हैं, सुबह रेस लगाने के लिए जाते हैं, 90% बच्चे ईयरफोन का यूज करते हैं, म्यूजिक सुनते हुए वो रेस लगाते हैं। दोस्तों, ये बहुत गलत है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती है, हर गांव में स्टेडियम नहीं है। यदि हर गांव में स्टेडियम बन जाए तो बच्चा सड़कों पे क्यों जाएगा सुबह सुबह? वो स्टेडियम में सेफ तरीके से अपने आप को सेफ रख के अपनी तैयारी करेगा। लेकिन जो हमारे गांव के प्रतिनिधि पंचायती जमीन को 20-30 हज़ार रुपए में ठेके पे दे रहे हैं, वो बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं बनवा सकते। क्या आज हर गांव में स्टेडियम की जरूरत नहीं है क्या? आपके बच्चे या आप खुद, आप सपने बनाते हैं अपने कि आप हरियाणा पुलिस में लगोगे, आप डिफेंस में जॉब करोगे, आप आर्मी में जाओगे या नेवी में जाओगे, उसके लिए फिजिकल करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा, और फिर कहीं ना कहीं आपको रेस लगानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश वाली घटना आपके साथ ना हो, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। ईयरफोन का यूज मत कीजिए आप,
यदि आपके गांव में स्टेडियम है तो बहुत अच्छी बात है, स्टेडियम ही यूज कीजिए अपनी फिजिकल की तैयारी के लिए सुबह। और नहीं है तो आपको इकट्ठे होके, गांव वाले बच्चों को इकट्ठे होके अपने सरपंच से, प्रतिनिधि से मिलना चाहिए और इस तरह की डिमांड करनी चाहिए कि एक सेफ जगह तो मिले जहां पे हम अपनी तैयारी कर पाए। ठीक है ना, बस यही था, मैं यही बताना चाहता था कि ये आपसे रिलेट कर रही थी कि ऐसा आज उत्तर प्रदेश में हुआ, कल को यहाँ भी किसी के भी साथ हो सकता है। इससे अच्छा है यदि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो आप तो शायद बच जाएंगे इस चीज से, इस एक्सीडेंट से। आप इस वीडियो को शेयर करके ये चीज सभी को बता सकते हैं कि ऐसा हुआ है और उनको आप बचा सकते हैं, उनकी जान बच सकती है, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो हर रोज सुबह सुबह गांव के बाहर सड़कों पर जाते हैं। आपकी क्या राय है वो आप कमेंट करके बताइए, जो भी आप कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में। धन्यवाद।